जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला सईद और आप देख रहे हो एयर 100 पी की यूट्यूब चैनल। जी हाजरा जी, एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बनी हुई एक एयर गन को रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि रेनबो कंपनी की तरफ से जो है वो मैनुफैक्चर की जाती है, और मॉडल है जी रेनबो 50। ये इस वक्त मौजूद पाकिस्तान में लो बिड की सबसे बेहतरीन स्प्रिंगर एयर गन है, और इंतहाई ये मतलब बैलेंस्ड एयर गन है। ये देखें, बिल्कुल बैलेंस्ड एयर गन है, और इसके अलावा जो है बहुत ही कमाल की जो है वो इसकी पावर है, और इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी भी इस एयर गन की अच्छी है, और हैंडलिंग में भी बहुत मजे की चीज है। ठीक है, तो इसका रिव्यू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल Air 100 VK को सब्सक्राइब करें 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 करें, और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो तो भाई अपनी मर्जी से लाइक करते हो, ठीक है। बाकी अब हम सबसे पहले बात करें तो ये भाईजान बनाई जाती है पाकिस्तान में, मैन्युफैक्चरर इसको जो ब्रांड करता है वो है रेनबो, और मॉडल है 50, रेनबो 50 मॉडल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पावर सोर्स की, स्प्रिंग की मदद से एयर गन काम करती है, और इसके अलावा काफी सिस्टम जो है वो ब्रेक बैरल है। यहाँ से अपनी एयर गन को ब्रेक करते हो, आफ्टर यहाँ पर छड़ा डालने के बाद जो है आप अपनी गन को जो है फायर करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कॉकिंग, जो एफर्ट है ना कॉकिंग को मतलब का करने में गन को, तो वो काफी मतलब आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। और इसका जो स्टॉपर है वो मेटल का है, और जो डायनामिक स्टॉपर यूज किया जाता है बॉल वाला, स्टील की बॉल वाला, वही इसके अंदर जो स्टॉपर है वो दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें सर इसकी रेल की, इसके ऊपर 11 mm की डाफ्टे रेल है, जिसके ऊपर आप अपनी स्कोप फिट कर सकते हो। रेल इतनी खासी लंबी भी नहीं है, और ग्रूड अच्छे से की गई है वैसे, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें, इसके ऊपर ओपन साइड का ऑप्शन मौजूद है, रियर साइड फुली एडजस्टेबल है, अप डाउन लेफ्ट राइट इजिली आप इससे कर सकते हो, और रियर साइड में जो है वो ग्रीन डॉट्स का कॉम्बिनेशन आपको देखने को नहीं मिलता, या मिलता भी हो तो यहाँ पे इस वक्त जो है वो इसकी रियर साइड यहाँ से टूटी हुई है। ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं मोहम्मद खान, ये उमर कोट सिंध से हैं, ठीक है सर। तो उनकी ये गन हमारे पास आई हुई है, और सेकंड जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो एक छोटा सा सप्रेसर है, जिसके ऊपर एक इनकी फ्रंट साइड जो कि फिक्स की गई, जिसके अंदर एक रेड डॉट आपको दिखने को मिल जाता है। ओवरऑल गन जो है सॉरी ओवरऑल गन जो है ये आ रही है जी इस वक्त ब्राउन कलर के वुड स्टॉक में, और जो इसको जो वुड लगाया गया है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब कोई इतना मतलब ये नाजुक वाजुक कोई चीज नहीं, बड़ी मजबूती वाला जो है वो इसका स्टॉक है। अगर हम बात करें ओवरऑल इसके मतलब ट्रिगर गार्ड की, ट्रिगर गार्ड फाइबर का है, ट्रिगर मेटल का बनाया गया है, और मतलब जो है वो काफी लंबी स्टेज तक ये ट्रिगर जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर जी इस गन के वेट की, तकरीबन अराउंड 3.2 kg इस गन का जो है वो वजन होने वाला है, और मैं हाथ में पकड़ा है तो मुझे अंदाजा है कि ये गन जो है वो इतने केजी की तो है, 3.2 kg की, ठीक है। इसके FPS मैंने खुद क्रोनी किए हुए हैं, तकरीबन 854 FPS ये जो है गन है प्रोड्यूस कर रही है, और एक परिंदे को शिकार करने के लिए कम से कम 400 FPS की जरूरत होती है। तो इस गन में तकरीबन 450 FPS या उससे ज्यादा मौजूद है, और चली हुई भी गन है तो तकरीबन 500 को हिट FPS करते हैं इसके, और ये गन LB600, B33, WF600 इन एयर गन्स को जो है वो टक्कर देने वाली चीज है, ठीक है। तो ये एयर गन अगर आप परचेज करना चाहते हो तो हमसे रब्ता कर सकते हो, तकरीबन इसकी जो प्राइस है 14 से 15 हज़ार रुपये मार्केट में चल रही है, कहीं और भी से भी मिलती हो आपको तो लाजमी आप परचेज कर सकते हो। ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको लाजमी पसंद आई होगी, पसंद है इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल Air 100 PK को लाजमी सब्सक्राइब करें।